हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट के बारे में। बेसिकली इसका जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देखेंगे, फिर अपकमिंग वीडियोस में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्लासिफिकेशन देख लिया है। इसमें पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दो टाइप के टेस्ट होते हैं। पैरामेट्रिक के अंदर में जेड टेस्ट होता है जिसमें 30 या फिर मोर देन 30 सैंपल्स होते हैं, लेकिन जब भी 30 से कम सैंपल होते हैं तो वहां पर हम लोग ये टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। इसी का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ये दो टाइप का होता है, एक होता है अनपेयर टी टेस्ट, एक होता है पेयर टी टेस्ट। तो सारा डिटेल्स इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स टी टेस्ट की, तो थोड़ा सा इसका हिस्ट्री देख लेते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। थ्योरिटिकल वर्क ऑन टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है मतलब जहां पर जो सैंपल का साइज है वो 30 से कम होता है, वहां पर जो सैंपल है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन का जो थ्योरेटिकल वर्क है दैट वाज डन बाय डब्ल्यू एस गॉसेट। ही हैज पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स अंडर द पेन नेम स्टूडेंट बिकॉज ही वाज वर्किंग विद अ कंपनी दैट इज गिनीज सन एंड कंपनी, अ डब्लिन ब्रेवरी इन आयरलैंड। तो ये एक कंपनी था गिनीज सन एंड कंपनी, वहां पर वो पर्टिकुलर ये जो डब्ल्यू एस गॉसेट था वो काम करता था। कंपनी का पॉलिसी क्या था, कंपनी डिडंट परमिट एम्प्लॉइज टू पब्लिश रिसर्च फाइंडिंग्स अंडर देयर ओन नेम्स। तो वहां पर जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉइज को अलाउ ही नहीं करती थी कि जो उसके एम्प्लॉइज हैं अपने नाम से जो रिसर्च फाइंडिंग है वो पब्लिश करे। वो चाहते थे कि कंपनी के नाम से पब्लिश हो, मतलब पर्सन अपना नाम यूज नहीं कर सकते, ये उनकी पॉलिसी थी। That's why it is called student test. तो इस कंडीशन में क्या हुआ, ये जो डब्ल्यू एस गॉसेट था, चलो इसको समझने के लिए जो पेन नेम क्या होता है, इस तरीके का चीजें जो होता है इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी खान सर को तो जानते होंगे, इतने बेहतरीन टीचर है, सब कोई जानते हैं, कभी ना कभी आपने उनका वीडियो जरूर देखा होगा। तो खान सर का असली नाम क्या है पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक दिन पता चलेगा, मतलब जब पता चलना होगा तब पता चलेगा खान सर का ओरिजिनल नेम क्या है। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ओरिजिनल नेम इनका ये है। तो सिमिलरली जो स्टूडेंट नाम से, ये जो डब्ल्यू एस गॉसेट था, अपना जो भी पब्लिकेशन है वो स्टूडेंट नाम से ही पब्लिश करता था, क्योंकि स्टूडेंट नाम से पब्लिश करेगा तो उसके कंपनी को पता नहीं चलेगा कि भाई स्टूडेंट कौन है, किसको क्या पता, ठीक है। तो वो डब्ल्यू एस गॉसेट था, तो अल्टीमेटली बाद में पता लगा होगा कि भाई ये जो स्टूडेंट है वो डब्ल्यू एस गॉसेट था, कंपनी में कितने साल जॉब किया, क्या किया, छोड़ दिया होगा कंपनी, कुछ अता पता नहीं है। लेकिन वहीं पर ये चीज सोचो कि ये जो डब्ल्यू एस गॉसेट था, कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से वो अपने नाम से नहीं पब्लिश कर सकता था, तो वो किसके नाम से करता, गिनीज सन एंड कंपनी के नाम से। तो यहां पर स्टूडेंट्स टी टेस्ट को आप गिनीज टी टेस्ट बोल रहे होते, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टूडेंट का नाम ही नहीं आता। तो अल्टीमेटली यहां पर हम उसको जान रहे हैं ना, उसका नाम तो हुआ ना, तो ये इसका इतिहास है और हमने इतिहास में काफी समय गंवा दिया है। अब इस टॉपिक पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो इसका हम लोग जब डिटेल्स देखते हैं तो स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन सैंपल साइज इज लेस देन 30 एंड ए पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन। तो स्टूडेंट टी टेस्ट हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं, हमेशा बोल रहे हैं कि भाई 30 से कम सैंपल होगा तभी इसको इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये पता नहीं होता है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता होता है, तो इसलिए इस टी टेस्ट में हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल एस। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, ये हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे फार्मूला में भी आप देखना ये स्मॉल एस इस्तेमाल होगा जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल होता है। अब यहाँ पर सैंपल और पॉपुलेशन को मैं बताने नहीं बैठूंगा, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में सारा चीज मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब हम लोग जो वेरिएबल टी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक होता है, मतलब इसके बीच में ये जो टी टेस्ट का टी होता है, टी डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रेजेंट होता है। इसको थोड़ा सा ग्राफिकली हम लोग समझें तो ये इस तरीके से आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये बेल शेप्ड होता है जो आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बीच में ये हमारे पास ये जीरो आ गया, ठीक है, जीरो आ गया, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये पर्टिकुलर इन्फिनिटी का मतलब ये आगे जाता जाएगा, और ये कभी भी ये पर्टिकुलर इस एक्स एक्सिस से कभी भी ये टकराएगा नहीं, मतलब कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं करेगा, इसको कभी भी ये
क्रॉस नहीं करेगा, वो पैरेलल जाते रहेगा इन्फिनिटी तक। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा, अब हम लोग बात कर लेते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, इसका जो सेप है इस तरीके से हो जाता है, मतलब जो बीच का सेप है जहां पर मीन है वहां पर इसका जो हाइट है वो रिड्यूस हो जाता है, ये जो हाइट है ये रिड्यूस हो जाता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में। और साथ में जो टेल की साइड में है ये जो हाइट है ये ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, ठीक है, मतलब इसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है टेल के साइड में जो पीक का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, और बीच में मतलब सेंटर में जहां पर मीन होता है वहां पर जो पीक का हाइट है वो कम हो जाता है, क्योंकि यहां पर सैंपल कम होते हैं, नंबर ऑफ सैंपल कम होते हैं। इसको आगे और अच्छे से हम लोग समझेंगे। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, द टी डिस्ट्रीब्यूशन हैज अ बेल शेप्ड कर्व एंड सिमेट्री सिमिलर टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें बेल शेप्ड कर्व होता है, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दोनों का ही कर्व देखो सेम बेल शेप्ड है, घंटी है। अब भाई कोई घंटी ऐसा हो सकता है, कोई घंटी ऐसा हो सकता है, मतलब घंटी होता है ना लटका हुआ अलग अलग शेप का, तो घंटी हो सकता है, लेकिन है तो घंटी बजेगा ना। तो ये हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन वेरीज विद द चेंजेस इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करता है किसमें, चेंज इन डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम में जब चेंजेस होता है तो इसका शेप भी चेंज होता है। क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कैसे होता है, ये सारा चीज मैं बताऊंगा। एक और पॉइंट देख लेते हैं, इट इज लेस पिक्ड देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट सेंटर एंड मोर पिक्ड इन द टेल्स। तो यहां पर ये तो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एक, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पहले ही देख लिया। यहां पर टी डिस्ट्रीब्यूशन एक और हम लोग ले लेते हैं। तो मान लो ये हमारे पास ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पर्टिकुलर येलो वाला जो पीक है ये वाला, इसमें एन का वैल्यू है मोर देन 30 से ज्यादा इसमें सैंपल है। उसके बाद फिर ये जो बीच वाला है, ये बीच वाला n इज इक्वल टू 10 है, मतलब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जहां पर भी n इज इक्वल टू लेस देन 30 हुआ तो टी डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। तो ये जो बीच वाला है रेड वाला, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो फिरोजी कलर टाइप का है या फिर ब्लू कलर बोल लो, यहां पर मान लो n इज इक्वल टू 5 है तो ये भी टी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहां पर देखो इट इज लेस पिक्ड देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पर देखो ये येलो वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके कंपेरिजन में ये वाला रेड वाला और ये ब्लू वाला लेस पीक्ड है, मतलब जो सेंटर पे जो पीक का हाइट है कम है, लेस पीक्ड है, तो वो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन में। ये दोनों डिफरेंस है, मतलब नॉर्मल और टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है इसको आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, मोर पीक्ड इन द टेल्स। अब टेल में हम लोग बात करते हैं तो ये देखो टेल में सबसे कम हाइट किसका है, टेल में सबसे कम हाइट किसका है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। और उसके बाद फिर जैसे ही हम लोग n इज इक्वल टू 10 रखते हैं तो थोड़ा सा हाइट और बढ़ गया, ऊपर की तरफ और चला गया। उसी का n इज इक्वल टू 5 किए तो टेल में जो और उसका जो x एक्सिस है, ये जो हमारे पास ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, तो x एक्सिस से जो उसका डिस्टेंस है टेल में वो बढ़ते जाता है By decreasing the number of sample। तो यहां पर यदि आपको कोई पूछता है कि भाई मान लो n is equal to 0 है तो पीक कैसा होगा, तो पीक ये सबसे ऊपर होगा, यहां पर टेल के साइड में सबसे ऊपर में पीक होगा और इस तरीके से फ्लैट पीक होगा, क्योंकि वहां पर n is equal to 0 है ना, कुछ तो है ही नहीं, इस तरीके से वो पीक आ जाएगा। 1 का पीक होगा तो इससे थोड़ा सा ऐसे नीचे में चालू हो जाएगा, ऐसे नीचे में चालू हो जाएगा, और ये हल्का सा ये यहां पर सेंटर पे हल्का सा पीक आएगा, ठीक है, और ये वापस से इधर नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो होता है टी डिस्ट्रीब्यूशन, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। और जब ये हमारे पास n इज इक्वल टू मोर देन 30 हो जाता है या फिर 30 से ऊपर चला जाता है तब इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कैसे वो मैं समझाता हूं, आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस वीडियो में जो z का क्रिटिकल वैल्यू है, z का जो टैबुलेटेड क्रिटिकल वैल्यू है, दैट इज 1.96 हमने बताया था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए। ये चीज आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो 1.96 था। अब यहां पर हम लोग देखते हैं n इज इक्वल टू 5 है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला एक बार बता देता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग डिनोट करते हैं न्यू से, और न्यू इज इक्वल टू होता है एन माइनस वन। तो यहां पर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर एन इज इक्वल टू 5 रखा हमने, 5
माइनस वन इज इक्वल टू फोर हो जाएगा, ठीक है। न्यू इज इक्वल टू, मान लो हमने 10 रखा इसका वैल्यू, तो 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहां पर देखो, मान लो n इज इक्वल टू 5 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 हो जाएगा, तो उसका जो टेबुलेटेड वैल्यू है t वैल्यू वो होता है 2.776, और हमारे पास n इज इक्वल टू 10 हो गया, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 हो गया, तो उसका वैल्यू हो गया 2.262। तो यहां पर 2.776 से 2.262, मतलब ये क्या हो रहा है, इधर से इधर जाने पर डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर n इज इक्वल टू, मान लो हमने 30 रखा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 हो जाएगा, और इसका वैल्यू हो जाता है 2.045, और डिक्रीज हो गया। अब यहां पर n इज इक्वल टू इनफाइनाइट हमने रखा, मतलब 30 से ऊपर जैसे ही चला जाता है, 31, 32, 33, 34 ऐसे चला जाता है इनफाइनाइट तक, तो वहां पर फिर डिक्रीज कितना होता है, यहां पर से 2.77 से लेकर के 2.2 में कितना डिफरेंस है, लगभग 0.5 से ऊपर का डिफरेंस है। उसके बाद यहां से यहां में देखोगे तो यहां पर भी लगभग 0.2 का डिफरेंस है। उसके बाद फिर यहां से यहां में देखोगे तो यहां पर ये डिफरेंस लगभग बहुत कम है, 0.08 समथिंग, जो एक नेग्लिजिबल डिफरेंस है। तो यहां पर देखो कि 31 से लेकर कि आप इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मतलब 1 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ तक भी जाओगे तब भी ये इतने का ही डिफरेंस है, मतलब यहां पर चेंजेस उतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो यहां पर 1.96 हो गया, मतलब वो Z डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया, ठीक है, वो Z डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। इसलिए आप लोगों को पता होगा कि भाई Z का जो टेबुलेटेड वैल्यू है, जो आपको हमने बताया था, वो एक सर्टेन टेबल था और वही फिक्स था, उसी टेबल का इस्तेमाल करके आप यूज करते थे। तो जहां पर T वैल्यू खत्म होता है, मतलब T डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है, उसके आगे फिर Z डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि भाई टेबल कैसे देखना है। तो यहां पर n इज इक्वल टू 5 है, न्यू इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 4 हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल लिया। तो पहली बात तो टी टेबल देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर 4 कहां पर है देख लो, इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं पेन का थोड़ा, ये हमारे पास 4 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टी का जो अल्फा वैल्यू, मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये है 0.05 या फिर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसी को बोलते हैं। तो यहां पर देखो कि यहां पर 1 टेल के लिए भी है, 2 टेल के लिए भी है, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली 2 टेल यूज करते हैं। 1 टेल 2 टेल क्या होता है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, तो वापस नहीं समझाऊंगा। तो 2 टेल का 0.05 ये यहां पर है, ठीक है। ये अब इसको मिला दो इधर से, ये जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, और इधर से आ जाओ, तो क्या हो गया 2.776। तो ये हमारे पास ये हो जाएगा जो 2.776 है, दिस इज टेबुलेटेड वैल्यू। अब मान लो जब आप टी डिस्ट्रीब्यूशन में कैलकुलेशन करते हो, तो आपका जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ गया वो आपका 2.2 आ गया। इसका मतलब ये 2.776 से लेस है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो टी टेबुलेटेड वैल्यू है उससे लेस है, तो इसका मतलब जो नल हाइपोथेसिस है आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन जो भी आपका है दो चीजों में, जिसमें भी आप कंपेरिजन कर रहे हो। और यहीं पर मान लो ये आता है आपका 3.1 आ जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3.1 इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड टी वैल्यू, तो यहां पर जो नल हाइपोथेसिस है वो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन इसका करेंगे तब ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी और आप अच्छे से इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेयर्ड और अनपेयर्ड टी टेस्ट क्या होता है। तो पेयर्ड को ही हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं और अनपेयर्ड को हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहां पर, मान लो ये 5 लोग हैं। अब इनको हमने मॉर्निंग के टाइम में 500 mg का पैरासीटामोल टेबलेट दे दिया, इन्होंने खा लिया। अब खाने के बाद इन्हीं लोगों को फिर से हम लोग आफ्टरनून में हमने 700 mg का पैरासीटामोल दे दिया, अब इन्होंने खा लिया। तो यहां पर शुरू में जो खाया था 500 mg, इसका कुछ इफेक्ट तो आएगा ना, और फिर 700 दोबारा से इन लोग खा रहे हैं,
तो दोनों में क्या रहेगा, डिपेंडेंसी रहेगी भाई, पहले का डोज से दूसरे का डोज डिपेंडेंट तो हो रहा होगा, दोनों डोज में किसी भी तरीके का कोरिलेशन होगा। तो इस तरीके से जब भी कोई दो चीजों में डिपेंडेंसी होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो उसको हम लोग पेयर टी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा और क्वेश्चन देख करके आपको समझना पड़ेगा कि वो पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली आपका फार्मूला लगेगा। इससे रिलेटेड जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये आसानी से समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनपेयर्ड टेस्ट या फिर इंडिपेंडेंट टेस्ट। तो मान लो ये पांच लोग हैं, इनको हमने 500 mg का पैरासिटामोल दे दिया, चलो मॉर्निंग में ही दिया इनको, इन्होंने खा लिया, ये पांच अलग लोग हैं। उसके बाद पांच लोग हमने अलग से ले लिए, ये दूसरे लोग हैं, इनको 700 mg का पैरासिटामोल दिया, इनको हमने आफ्टरनून में दे दिया, ठीक है, तो इन्होंने खा लिया। अब ये लोग अलग थे, ये लोग अलग थे, इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अब ये जो 500 mg वर्सेस 700 mg का जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे तो दोनों तो इंडिपेंडेंट हुए ना, ये अलग हो गए, ये अलग हो गए, लेकिन इसमें एक ही बंदे को सेम डोज मिल रहा है, तो वहां पर डिपेंडेंसी हो गई। जो पेयर टी टेस्ट है उसी को मैच्ड पेयर टेस्ट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट्स टी टेस्ट का इंट्रोडक्शन। और इसमें हम लोग बात कर लेते हैं अलग अलग फार्मूला के, तो अलग अलग कैटेगरी के फार्मूला होते हैं, जैसे टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द मीन ऑफ रैंडम सैंपल, तो उसके लिए फार्मूला होता है। इस फार्मूला का डिस्कशन प्लस इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड जो भी अपकमिंग वीडियोस में हम लोग करेंगे, ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। और इन सब का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल्स, इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए होता है ये, रैंडम हो गया तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद फिर टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ द टू सैंपल, जब ये डिपेंडेंट होते हैं तब हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। उसके बाद फिर टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एन ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है, वहां पर भी हम लोग टी टेस्ट लगा सकते हैं, उसके लिए ये वाला फार्मूला होता है। इन सब का डिस्कशन अपकमिंग वीडियोस में इंडिविजुअली करेंगे विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आई होप आपको स्टूडेंट्स टी टेस्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।